हेलो मित्रों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। आज आप लोगों को सेट नंबर 6 स्पेशल रेलवे ग्रुप डी का सेट नंबर 6 के बारे में आज हम क्वेश्चन कराएंगे आपको। तो बिल्कुल आप फटाफट तैयार हो जाइए और लगन से पढ़िए और लगन से लग जाइए, तन मन धन से लग जाइए पूरी तरह से। नाम के लिए मत पढ़िए, काम के लिए पढ़िए दोस्तों। तो आइए हम लोग 1 से लेकर 30 तक देखेंगे आज क्वेश्चन पेपर 6 नंबर। तो आप बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, तब जाके आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, माध्यम क्या दोस्तों है। तो अब आइए मित्रों, हम लोग लग जाते हैं। 60 डेज और 60 पेपर के काम चालू है, तो हम लोग देखते हैं, प्रयास करते हैं कि 60 पेपर बन जाए। लेकिन मैंने 50 सेट बनाने के लिए मैंने वादा किया हूँ, तो जरूर मिलेगा आप लोग को। तो फटाफट दोस्तों तैयार हो जाइए और देखिए आज आप लोग को हम सेट नंबर 6 के बारे में बारी बारी से हल कराएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 क्या कहा है मित्रों, कि 16 मार्च 2007 को सप्ताह कौन सा दिन था। इसका नाम दोस्तों कैलेंडर है। क्या नाम है? कैलेंडर। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए यदि अगर दिन अगर पता नहीं है, कुछ ऐसे नियम है कि आपको कोड याद रखना पड़ता है, लेकिन मैं जो बताऊंगा बेसिक से बताऊंगा दोस्तों। देखिए यहाँ जो दिया हुआ है कि 16 मार्च 2007 को बताना है दोस्तों। 16 मार्च 2007 को बताना है। तो नियम है कि आज की डेट से हम लोग निकाल लेते हैं। यदि अगर आपको दिन अगर पता नहीं है तो आज की तारीख से हम लोग निकालते दोस्तों हैं। जानते हैं कि आज क्या तारीख है? आज 30 तारीख है, यानी 30 दिसंबर 2021 को दिन हमको पता है कौन दिन है? गुरुवार पता है मित्रों। क्या पता है? गुरुवार। तो 30 दिसंबर आपको 2007 को निकाल लेंगे और तब 16 मार्च 2007 को निकाल लेंगे मित्रों, क्योंकि इसमें डेज का नियम, मंथ का नियम और ईयर का नियम तीनों मिक्स दोस्तों हो गया। तो देखिए इसका नियम मैं बताया था जो पढ़े होंगे ऑफलाइन में, कि अगर डेट अगर समान हो, डेट का हो समान हो और इसमें ईयर क्या हो मित्रों, अंतर हो। का नियम है कि घटा लेते हैं, वर्ष में घटा लेंगे, कितना अंतर बचेगा? तो 14 बचेगा। कितना बचेगा? 14। आज दोनों के बीच लीप ईयर घटा लेते हैं, यानी दोनों के बीच का अंतर आज दोनों के बीच में कितना लीप ईयर उसको गिन लेते हैं दोस्तों हैं। तो देख रहे हैं कि कितने लीप ईयर आएगा। तो देखते हैं कि 8, 12, 16 और 20 कितने लीप ईयर आएगा मित्रों? 4 आएगा। तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। भगा दिए 7 से 7 2 14। शेष कितना बचा मित्रों? शेष कितना बचा? 4 बचा। तो देखना है कि 21 के आगे तो 7 आएगा नहीं, बैक में आता है। चलिए बैक में आ जाइए। तो गुरु के पीछे बुध, बुध के पीछे मंगल, मंगल के पीछे सोम, सोम के पीछे रविवार। तो मित्रों यहाँ कहा आ गया रविवार, आ गया क्या? आ गया रविवार। अब यहाँ देखेंगे मित्रों की, यहाँ आप लोग देखेंगे कि यहाँ जो ईयर समान हो गया और मंथ डिफरेंस हो गया, तो दिसंबर के आगे तो मार्च आता नहीं उसी वर्ष में, बैक आता है। क्या करेंगे? इधर चल चलेंगे। तो मार्च कितने महीना होता है? 31 का होता है, उसमें 16 निकाल दीजिए। बैक बता चुका हूँ मंथ डिफरेंस का नियम, 15 बच्चा था, 7 2 14 एक हो गया दोस्तों। अब मार्च था अप्रैल, तो 2 मई का 3, जून का 2, ये मंथ कोड है, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2 और दिसंबर का 30 तक दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 3 5 2 7 2 7। अब देखिए दोस्तों 3 3 6 1 7 खत्म हो गया, 3 2 5 2 7 खत्म हो गया। कितना दोस्तों बचा? 2 बचा। तो देखेंगे आप लोग ये 2 बचा है, तो देख रहे हैं कि ये दिसंबर के आगे तो मार्च आता नहीं, पीछे मार्च आता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि पीछे आ जाएंगे तो रवि के भी शनि, शनि का तो शुक्रवार दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे? शुक्रवार आएगा। क्या आएगा मित्रों? शुक्रवार आएगा, जो ऑप्शन किस में है? सी में है। क्लियर है? क्लियर है। यानी आपको डेज और मंथ और ईयर का नियम दोस्तों पता होनी चाहिए। इसका एक वीडियो मैं डालूंगा स्पेशल कैलेंडर का, ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ मित्रों। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए इसका नाम है मित्रों डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, तो आपको पता है कि डिस्टेंस डायरेक्शन में कि आपको यहाँ जो होता है, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है दोस्तों साउथ होता है। क्या होता है? साउथ। अब ध्यान देंगे मित्रों हम लोग कि अब यहाँ बोला है कि किसी घड़ी में 10:30 बज रहा है, तो यदि मिनट की सुई साउथ की ओर बताया है, तो जानते हैं कि जब 10:30 होगा मित्रों तब 30 पर होता है 6,
यानी 6 को होता है 30। मित्रों जब 10:30 बज रहा है तो यानी 30 कहाँ घड़ी में होता है, 6 पर होता है, तो 6 कहाँ रखना हमको है, साउथ में रखना है। तो 6 के उल्टे अंत कहाँ होता है मित्रों, 12 होता है। घड़ी चलता है क्लॉक वाइज में, 7, 8 यहाँ 9 मित्रों होगा, यहाँ 10, यहाँ 11। तो ध्यान देंगे मित्रों हम लोग कि अब जाहिर सी बात है कि जब 10:30 बजेगा तो घंटा उसे कहाँ रहेगा, 10 और 11 के बीच में रहेगा मित्रों। तो 10 11 के बीच में जब रहेगा मित्रों, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ से और जो यहाँ दिशा होता है क्या होता है, उत्तर पश्चिम होता है मित्रों। क्या होता है, उत्तर पश्चिम, क्या होगा, उत्तर और पश्चिम। तो घंटा का सही मित्रों क्या होगा, उत्तर और क्या होगा, पश्चिम होगा। जो ऑप्शन किस में मित्रों है, तो बी में है। क्लियर है बच्चे, बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। चलिए मित्रों तो आगे हम बढ़ते हैं, आइए अगला क्वेश्चन समय फटाफट देखिए, कोई आपको हार्ड नहीं है, बसरते आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मित्रों। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका जो नाम है कोडिंग डिकोडिंग नाम है मित्रों, एंड लेटर टू नंबर कोडिंग नाम इसका है। तो मैंने बताया था कि आपको कोडिंग के क्वेश्चन हो या सीरीज के क्वेश्चन हो या क्लासिफिकेशन क्वेश्चन हो, लेटर में जितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसमें नंबर पोजिशन याद करना बहुत जरूरी है। तो हमने एक रूल बताया था पिछला वीडियो में आप लोगों को, जिसका नाम है ई जोटी 5, 10, 15, 20 और 25। यानी ई कितना बार होता है, 5, जे कितना, 10, ओ कितना, 15, टी कितना होता है, 20, वाई कितना होता है, 25। यानी 5, 10, 15, 20, 25 के तहत आप एक हेल्प आपको मिलेगा, इससे ज्ञात कर सकते हैं आप। अगर खाली आप ज्ञात अगर है लेफ्ट से खाली ज्ञात करते हैं अगर आप हैं, तो राइट भी और अपोजिट भी क्या हो जाएगा दोस्तों, याद हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कंडीशन जो दिया हुआ है, एफ बराबर जो दिया हुआ है, दिया है 6 दिया हुआ, जानते हैं कि एफ कितना होता है नंबर, 6 ही होता है, कितना होता है, 6 होता है। यहाँ देख रहे हैं कि टी एच ई का वैल्यू कितना दिया, 33 दिया है। तो जानते हैं टी कितना होता है, 20 होता है, और एच कितना होता है, 8 होता है, और ई कितना होता है, 5 होता है। तो देख रहे हैं 20, 28, 28, 5 कितना हुआ, 33 हो गया। तो बताना है ओ मैन दोस्तों, क्या बताना है, ओ मैन। जानते हैं डब्ल्यू कितना होता है, 23 होता है, ओ कितना होता है, 15 होता है, एम कितना होता है, 13 होता है, वन ए कितना होता है, 1 होता है, और ई कितना होता है, 14 होता है मित्रों। तो देख रहे हैं कि 14, 15, 30, 10, 40, 43, 43, 27 जोड़ दीजिए मित्रों, कितना आएगा, 3, 3, 6, 4, 2, 6 आएगा। यानी जितना लेटर दिया हुआ है सबका क्या करेंगे, अंक जोड़ देंगे लेफ्ट साइड से, तो कितना आएगा, 66 आएगा। जो ऑप्शन किस में है, सी में। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसका नाम है एनालॉगी, क्या नाम है, एनालॉगी। तो मैंने बताया था कि नंबर एनालॉगी में जोड़ से, घटाव से, वर्ग से, क्यू से, अढ़िया से, आधा से, ये सारे आपको नियम लगते हैं मित्रों। तो देख रहे हैं कि एक का इका एक से एक कैसे बना है, तो मित्रों हम लोग देखेंगे इस बात को कि यानी एक से एक कैसे बना है, तो यानी एक का स्क्वायर कर दिया है, ये तरह क्यू भी करेगा तो वन होगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग वर्गिंग किया है, जिसका वर्ग कर देंगे मित्रों तो कितना आएगा, 625 आएगा, जो किस में, ऑप्शन में है, सी में है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, आइए बच्चे देखिए आगे। देखिए यहाँ मित्रों दिया है कि इसका नाम है कि निम्नलिखित में से विषम का चयन करें, यानी विजातीय, विषम, भिन्न, विमेल, असंगत का चयन करें। इसका नाम है क्लासिफिकेशन, ऑड मैन आउट। तो मित्रों इसमें वर्ड अगर दिया हुआ है तो देखना होगा 4 वर्ड में आपको 3 में किस समानता बन रहा है, जिस समानता नहीं बनेगा विजातीय मित्रों होगा। तो देख रहे हैं कि बुकर पुरस्कार ये भी दिया जाता है कांची में, साहित्य में दिया जाता है, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, और ए बी का दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, साहित्य में ही दिया जाता है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भी साहित्य में दिया जाता है मित्रों। लेकिन जो मैग्सेस पुरस्कार मित्रों है ये समाज सेवा में दिया जाता है, क्या दिया जाता है, ये समाज सेवा में दिया जाता है। इसलिए क्या हुआ, ए और बी और डी एक समान हुआ, क्योंकि साहित्य में सब तीनों के तीनों है, यही कहा है मित्रों, ये समाज सेवा में दिया जाता है, इसलिए कहा इसमें भिन्न होगा, बोलिए मैक्सेस पुरस्कार होगा मित्रों, क्या होगा, मैक्सेस पुरस्कार होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, आइए देखते रहिए शुरू से अंत तक। यहाँ देखिए मित्रों इसका नाम है क्लासिफिकेशन, लेकिन नंबर क्लासिफिकेशन का नाम है, क्या नाम है, नंबर क्लासिफिकेशन। इसमें भी आपको सम विषम पर, भाज्य पर, अभाज्य पर, वर्ग पर, क्यू पर, अंतर पर, जोड़ पर भी देखते हैं मित्रों। यहाँ देखिए कैसे बनाया है,
तो देख रहे हैं हम लोग ये कैसे बनाया हुआ है मित्रों। तो यहाँ ध्यान देंगे हम लोग इस बात को कि यानी 15 से 32 जो अंतर है, तो ये देखिए ऐसे किया है मित्रों, 15 दुना 30 और प्लस 2, तो ये आ जाएगा ये वाला। अब यहाँ देखिए 42 दुना 84 और प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 86। देखिए यहाँ पे 36 दुना 72 और प्लस 2 तो 74, 26 दुना 52 करेंगे और प्लस 2 जो है 54 आना चाहिए, तो यहाँ 56 हो गया। यानी 26 दुना अगर करेंगे 52 और प्लस यहाँ जोड़ दिया मित्रों 4 जोड़ दिया, इसलिए क्या हुआ यहाँ पे सी भिन्न होगा। क्लियर नहीं क्लियर है, क्योंकि ए बी और डी क्या है एक समान है। क्लियर है कि नहीं क्लियर मित्रों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मित्रों, बिल्कुल आप शुरू से अंत तक बने रहिए और देखिए हर तरह क्वेश्चन आपको मित्रों मिलेगा इसमें। देखिए इसका नाम है वेन डायग्राम। क्या नाम है? वेन डायग्राम। यानी दिया है मित्रों कि निम्नलिखित में से धातु लोहा और क्लोरीन के बीच बताना है संबंध मित्रों। तो देखिए लोहा एक का है धातु है, धातु के अंदर लोहा आ जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा धातु है मित्रों, इसलिए क्या हो जाएगा क्लोरीन अलग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक में हो जाएगा। तो जे डायग्राम मित्र कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा यानी लोहा धातु के अंदर और ये क्या हो जाएगा क्लोरीन अलग हो जाएगा मित्रों, ठीक है। ये क्या है ऐसे डायग्राम बनेगा, ये लोहा है आई धातु है आई मित्रों क्या है ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? चलिए मित्रों हम लोग आगे बढ़ते हैं, आइए देखते रहिए फटाफट लगे रहिए और आप धनमंत्रण से पढ़ाई कीजिए मित्रों। आप काम के लिए पढ़िए, न कि आप केवल दिखाने के लिए पढ़िए, पढ़ना है तो कुछ काम करने के लिए पढ़िए और लगन से पढ़िए। ये तो पढ़ाई इस तरह खाली लगाव रखने से खाली पढ़ाई के लिए पढ़ाई हम कर रहे हैं नाम कर रहे हैं तो ऐसे नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पे दिया है इसका नाम है सेटिंग अरेंजमेंट, जिसमें इसका नाम है वर्टिकल। इस क्वेश्चन छोटा बड़ा अधिक कम आगे पीछे ऊपर नीचे सस्ता महंगा अगर मित्रों बोलते हैं इसका नाम होता है वर्टिकल। देखिए यहाँ बोला कि राहुल आदित्य से लंबा है, राहुल मित्रों क्या है आदित्य से लंबा है, क्या है राहुल बोला है आदित्य से क्या है लंबा है मित्रों, क्या बोला है आदित्य से लंबा है निका है बड़ा है, किंतु तो हम बताए थे पिछले वीडियो में कि किंतु परंतु तथा और उसके जिसके जबकि लेकिन अगर मगर जितना बात बोलेगा मित्रों फर्स्ट नेम के लिए बोलता है, किंतु रोहन से छोटा है, रोहन से क्या मित्रों है छोटा है ऐसा बोला है। फिर बोला है और रोहन करण से लंबा है, रोहन है मित्रों जोन करण से क्या है लंबा है, तो करण से लंबा है रोहन, राहुल से भी लंबा रोहन है लेकिन राहुल में करण कन्फर्म नहीं है मित्रों। तो यहाँ बोला है कि रोहन करण से लंबा है तो सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल कि सबसे लंबा मित्रों कौन होगा तो रोहन हो जाएगा। ये ऑप्शन किस में है सी में। क्लियर है बच्चे? बिल्कुल समझ गए होंगे आप, ऐसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, पिछले वीडियो में कई क्वेश्चन मिले आप देखने को मिला आपको, इसमें मिल रहा हर आपको सेट में मिलेगा मित्रों। क्लियर है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका नाम है स्पॉटिंग एवरी वैकेंट पार्ट ऑफ सीरीज, स्पॉटिंग एवरी वैकेंट पार्ट ऑफ सीरीज। तो इसमें हम लोग गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहां मित्रों 12 है तो 12 में ये 2 का डिवीजी पेयर बनेगा, 3 का पेयर बन सकता है, 4 का बन सकता है और मित्रों 6 का पेयर बन सकता है। तो देख रहे हैं कि हम लोग अब तीन तीन का पेयर बनाते हैं तो यहाँ से अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर 3 बांटते हैं यहाँ पे ऐसे हैं और यहाँ से ऐसे बांटते हैं और यहाँ से ऐसे बांटते हैं तो 3 का पेयर बन जाएगा मित्रों। तो देख रहे हैं कि यम के पहले यहाँ सी है तो हम अगर बनाते हैं यहाँ पे भरते हैं अगर सी है यहाँ सी क्योंकि पहले सी भरते हैं तो यम सी क्यू और फिर भरते हैं अगर क्यू यहाँ पे तो फिर यहाँ भर देते हैं एम, अब भर देते हैं एम तो क्यू सी एम, तो दिमाग एक बात आएगा कि एम सी क्यू क्यू सी एम। फिर अब यहाँ मित्रों फिर भरना होगा सी तो एम सी क्यू तो फिर क्या हो जाएगा क्यू सी एम हो जाएगा। तो देख रहे हैं सी क्यू और एम सी क्यू ऑप्शन किस में मिला मित्रों तो सी में मिला, किस में मिला सी क्यू एम सी क्यू ऑप्शन सी में है। क्लियर नहीं क्लियर है? चलिए मित्रों आगे मैं बढ़ता हूँ, आइए बच्चे देखिए अगला। देखिए यहाँ मित्रों क्वेश्चन जो दिया है इसमें फिगर जो है छूट गया है, देखिए इसका जो फिगर रहेगा ऐसे रहेगा, बोला कि लुप्त अंक ज्ञात करना है मित्रों, तो इसमें जो आप ऐसे फिगर इसका रहेगा आप देख लीजिएगा इस फिगर को, यानी जो फिगर है मित्रों ऐसे रहेगा
इसका नाम है मेसिंग वैकेंट प्लेस। क्या नाम है? मेसिंग वैकेंट प्लेस मित्रों, इसका नाम है। अब ध्यान से देख लीजिएगा इसको, यहाँ दिया है 5 और यहाँ दिया है 8, यहाँ दिया है मित्रों 32 और यहाँ दिया है 9, यहाँ दिया है 6, यहाँ दिया है 48 और यहाँ दिया है मित्रों 9, 7, यहाँ दिया है 9, यहाँ दिया है वैकेंट। जो ऑप्शन दिया है मित्रों, यहाँ दिया है 45 और बी में जो दिया हुआ है वो दिया है 48 और सी में दिया है मित्रों 54 और डी में दिया है मित्रों 64। देखिए, घबराइए ना, बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। देखिए तो ऐसे बनाए, इसमें प्रेजेंट टाइम माइंड और प्रैक्टिस। देखिए ये 5 × 8 किया है मित्रों तो कितना हो जाएगा 40, घटा दिया है बीच वाला 8 तो कितना आ जाएगा 32। उसी तरह से दोस्तों 9 × 6 = 54 और -6 मित्रों इतना आ जाएगा। उसी प्रकार से 7 × 9 कितना 63 मित्रों, -9 53 तो 4 आई 5 बचेगा मित्रों तो कितना आएगा 54 आएगा। कितना आएगा यहाँ मित्रों 54 आ जाएगा, जो ऑप्शन किस में है, सी में है। क्लियर है? क्लियर है। तो मित्रों ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं बिल्कुल, इसमें प्रैक्टिस निर्भर करता है। और इसमें 3 बात ध्यान रखते हैं, रिलेशन बेस्ड, सिमिलरिटी बेस्ड और आपको सीरीज बेस्ड, समानता, श्रृंखला और संबंध। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे कड़ी में बढ़ते हैं, देखते रहिए। देखिए इसका नाम है बच्चों साइलोगिज्म नाम, इसका नाम का नाम है साइलोगिज्म, यानी हास्यास्पद या न्याय निगमन। यहाँ बोला है कि सभी उपकरण क्या है, ठोस है। जितने उपकरण है वो क्या है, ठोस है। डायग्राम ऐसे बनेगा मित्रों। अब यहाँ ध्यान देना होगा कि कुछ ठोस क्या है, धातु है। तो जितना ठोस है उसका कुछ भाग क्या है मित्रों, धातु है। अब धातु का रिश्ता उपकरण से बन सकता है, तो ध्यान देना होगा आप लोगों को कि यहाँ बोला है कि सभी धातु उपकरण है, सभी धातु उपकरण है, तो बिल्कुल गलत है। चूँकि धातु से उपकरण से कोई रिश्ता बोला नहीं है, यहाँ बोला कुछ धातु ठोस है। तो देख रहे हैं, जब कुछ ठोस धातु है तो धातु का होगा ठोस होगा, दोनों कंजूर पौधे हैं, इसलिए बी का है आपका 100% सत्य है मित्रों। ठीक है, आंसर क्या मारेंगे आप, केवल 2 सही है। क्लियर है? क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन पीछे भी आपको मिल चुका है, तो आइए मित्रों हम लोग आगे कड़ी बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से, यहाँ मित्रों गलती है, यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ में से विषम का चुनाव करें, विषम का चुनाव करें, यहाँ मिसप्रिंट है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ध्यान देना कि लेटर ने क्लासिफिकेशन नियम है कि जोड़ से, घटाव से, अपोजिट से और लेटर के पोजिशन से या मीनिंग से भी और कंसोनेंट वाइल से बनते हैं मित्रों। तो यहाँ ध्यान देना होगा कि जी के बाद एच, एच के बाद आई, एक अंतर एक अंतर, फिर एक्स के बाद वाई, फिर वाई के बाद जेड, एक अंतर एक अंतर। देख रहे हैं यहाँ सी के बाद डी और डी के बाद ई, एक अंतर एक अंतर। तो यहाँ देख रहे हैं मित्रों कि ये -1 हो गया, यहाँ भी -1 हो गया। क्या हो गया? -1 -1, यहाँ दोनों तीनों +1 है मित्रों। ठीक है कि नहीं? इसलिए क्या आंसर होगा आपका, सी हो जाएगा। क्लियर नहीं? क्लियर है। यानी तीनों में सब में प्लस है, इसमें क्या है माइनस है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा मित्रों, सी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, बोलिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका नाम है बच्चे सीरीज। क्या नाम है? सीरीज। तो सीरीज में मैंने बता दिया था कि इसमें नंबर सीरीज में खास तौर से जोड़ से, घटाव से, गुणा से, भाग से, वर्ग से, क्यू से, जढ़ा से, अढ़िया से, सब चलता है मित्रों। इसमें आपको अभ्यास करना पड़ेगा तभी संभव है, नहीं तो कब का कर देखो ठिकाना नहीं है मित्रों। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है 17 है, ऐसे क्वेश्चन पीछे भी आपको आम मिल चुका होगा, और 206 है बच्चों। ध्यान देना हो कैसे ही बनाया हुआ, ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए 1 का क्यू किया है, +1 का वर्ग किया है मित्रों। ये देखिए 2 का क्यू किया है, 3 का वर्ग किया है, मतलब जोड़ दिया। देखिए तो देखिए 2 का क्यू 8, 3 का वर्ग 9 17 हो जाएगा मित्रों। यहाँ करेगा 3 का क्यू और +5 का स्क्वायर करेगा मित्रों, देखो 27 और प्लस जोड़ दीजिए 25 तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 12, 52 मित्रों आ जाएगा। तो अगला दिमाग में आएगा दिमाग कि 4 का क्यू और 1 के बाद 3 3 = 5 तो का 7 का वर्ग करेंगे, यानी 64 बच्चे और 49 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 113 आ जाएगा, क्या आएगा 113 आगे। इस तरह से 5 का क्यू + 9 का वर्ग करेंगे मित्रों। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो आंसर का आपका मिलेगा मित्रों, सी मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। यानी 1 का क्यू 1 का वर्ग, 2 का क्यू 3 का वर्ग, 3 का क्यू 5 का वर्ग, 4 का क्यू 7 का वर्ग, 5 का वर्ग 9 का, 5 का क्यू 9 का वर्ग। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। चलिए
आगे बढ़ते हैं मित्रों, आइए इसका नाम है लेटर सीरीज। क्या नाम है? लेटर सीरीज। तो लेटर सीरीज में मैंने बताया है कि आपको ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसे जोड़ से बनाएगा, घटाव से बनाएगा, उल्टा बनाएगा, पलट देगा। देख रहे हैं, ए से बनाया डी, ए से बनाया डी, तीन प्लस किया, डी से बनाया एच, प्लस चार किया, ए से बनाया एम, प्लस पाँच किया, फिर एम से बनाया एस, तब प्लस छः किया। तो दिमाग में बात आनी चाहिए आपको कि अगला जो ऐड करेगा मित्रों तो क्या करेगा, सात ऐड करेगा। तो उन्नीस सात कितना होता है? छब्बीस। तो क्या आएगा? जेड आ जाएगा। तो देख रहे हैं जेड दो ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन मिलता तो मार देते आंसर। फिर देख रहे हैं कि अब जी सी से बना है जी, तो इतना ऐड किया, चार ऐड किया। अब जी से बनाया है एल, तो पाँच ऐड किया। एल से बनाया है आर, तब बारह छः अठारह, छः ऐड किया। फिर बनाया है वाई, तो फिर सात ऐड किया। तो दिमाग में बात आनी चाहिए मित्रों कि फिर आठ ऐड करेगा तो कितना, वाई के बाद जेड, फिर बचेगा सात, तो क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। यानी जेड जी जो ऑप्शन किस में है? सी में है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। कोई हार्ड नहीं है ना, आपको कोई दिक्कत होनी हो चाहिए, बिल्कुल आराम समझा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आया होगा आप लोग को। क्लियर है कि क्लियर है? चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए, हर क्वेश्चन का लेवल मिलेगा। देखिए मित्रों, इसका नाम है अल्फाबेट। क्या नाम है? अल्फाबेट के क्वेश्चन है, किसका वीडियो में बनाऊंगा कि अल्फाबेट में बहुत दिक्कतें होती है बच्चों को, चूँकि अल्फाबेट पे बहुत सारे चैप्टर ऐसे है कि उस पर आधारित है। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 19वें अक्षर तथा बाईं ओर से 14वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा मित्रों, ये बताना है। तो इसके लिए मैं फार्मूला बताया था मित्रों कि एल दिशा अगर डिफरेंट रहेगा, दिशा क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। तो ध्यान देंगे हम लोग कि दिशा डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट डायरेक्शन रहने पर, डायरेक्शन रहने पर कि एल प्लस आर की वैल्यू अगर 26 या 27 या 28 के बराबर नहीं होता है, इससे अधिक हो जाए, कम हो जाए, तो मैंने फार्मूला सिखाया था कि एल प्लस 27 माइनस आर बटा में 2 जो आएगा पोजीशन हल करने पर, वो से वाला दिशा से दोस्तों गिन देते हैं, सॉरी, यानी पोजीशन आने पर, पोजीशन आने पर हमेशा हमेशा मित्रों बाएं से गिन देते हैं। कहाँ से गिनते हैं? वो बाएं से गिन देते हैं, गिनते हैं। क्लियर है? ध्यान देना, ये फॉर्मूला काम कर जाएगा आपका। तो देख रहे हैं कि जोड़ने पर अधिक हो जाएगा, 19 से 4 23 से 10 33 हो जाएगा मित्रों, तो अधिक हो गया। एल कितना है? 22 से 14 है मित्रों, और 27 माइनस कितना? 19 बटा में 2 मित्रों, तो यहाँ 14 प्लस घटाइए कितना हो जाएगा? 8 बटा में 2 यानी 22 बटा में 2 मित्रों कितना आएगा? 11। तो यानी क्या करेंगे, बाएँ से गिनेंगे तो क्या मित्रों आएगा? तो के आएगा। क्लियर है? क्लियर है फार्मूला मित्रों, अगर आपको याद रहेगा तो जल्दी बनेगा। तो फिर बाएं से गिनेंगे, फिर दाएं से गिनेंगे, उसका मध्य में लेंगे, समय विलंब होगा मित्रों। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। चलिए मित्रों मैं आगे बढ़ता हूँ, और इस क्वेश्चन को आप एक बार समझ में आपको नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखें, समय बिल्कुल आएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ मित्रों, देखिए इसका नाम है रैंकिंग। क्या नाम है? रैंकिंग। क्या नाम है मित्रों? इसका नाम है रैंकिंग। ध्यान देना होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, टोटल दिया है 39। मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ पीछे में, कक्षा में एक, यहाँ कक्षा रहेगा मित्रों, क्या रहेगा? कक्षा में सुरेश अशोक से कितना आगे है? 7 पद आगे है। तो अगर मैं कहता हूँ कि हमसे अगर 2 रोटी फलाने अधिक खाते हैं, यानी रमेश अधिक खाता है, तो जब तक उसका अगर पता नहीं चलेगा तो मेरा पता चलेगा नहीं। अगर रमेश खाता है 5 रोटी तो उसे अधिक खाते हैं हम 2 रोटी, तो 7 रोटी हम खाएंगे। तो यहाँ ध्यान देना है, जो कि बोला है कि अशोक का पद पीछे से, यानी अंतिम से मित्रों, यानी अशोक का दे दिया है कि अंतिम से कितना है मित्रों? 17वां है। वो बोला है कि सुरेश जो अशोक से कितना आगे है? 7 स्थान आगे है। कौन? सुरेश। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 कितना हो जाएगा मित्रों? 24 हो जाएगा। कौन ही है? सुरेश है। कहाँ से? पीछे से, यानी अंतिम से। कहाँ से? पीछे से। तो मित्रों यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आपको R कितना पता हो गया? 24 हो गया। तो L दोस्तों बताना आपको L क्या होगा। तो फॉर्मूला मैंने सिखाया था कि L प्लस R माइनस 1 का कितना टोटल होता है। तो L कितना पता है? नहीं पता है। R पता है 24 मित्रों, माइनस 1 बराबर टोटल कितना पता है? 39 पता है। कितना पता है? 39। तो L प्लस ये जगह 23 मित्रों बराबर 39, देयर इम्प्लाई L बराबर 39 माइनस 23
बराबर कितना आएगा मित्रों, 16 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग, जो ऑप्शन किस में है, बी में है ना, क्लियर? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मैं आसानी से मैं बताया समझाया, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। चलिए मैं अगला कड़ी में बढ़ते हैं, बिल्कुल लगे रहिए, हर लेवल क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। देखिए इसका नाम है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, क्या नाम है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो बताया था मैंने कि इसमें जो होता है प्रेजेंटा माइंड और ऑप्शन ही इसका निर्भर आपको बनाने का है, क्योंकि ऑप्शन से ही बनेगा ही। तो उन्होंने बताया था कि इसमें अधिकतर जो भाग वाला होता है ऑप्शन ज़्यादा रखना पड़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि भाग वाला ही रखेंगे। अब देखना होता है किसको रखने पर का जगह बराबर 41 आ जाएगा, तो देखना होगा कि प्लस तथा भागा बदलने से, कि गुणा तथा भागा बदलने से, कि प्लस तथा माइनस बदलने से होगा। तो देख रहे हैं मित्रों कि यहाँ प्लस और भागा बदलने से कोई फायदा हमको हो नहीं रहा है, तो क्या करेंगे कि 7 और गुणे 6 आज यहाँ रख दीजिए, ऑप्शन सी रखिए मित्रों, आ जाएगा यहाँ पे। आज यहाँ प्लस वहाँ रखिए माइनस 5, आज यहाँ माइनस रखिए प्लस 12, और भागे मित्रों कितना है 3 है। देखिए 3 चौ के 12 बड़मास में जानवे करते हैं आप, 7 6 के 42 और माइनस 5 प्लस 4 दही जोड़ दी दोनों, तो कितना होगा मित्रों, होगा 46, 46 में घटाइए 5 कितना बचेगा 41 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो सी है मित्रों ये संतुलित कर रहा है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल आप लोग, यानी सी जो इसका कर रहा है इसको फ्लो कर रहा है, यानी 41 आ जा रहा है, क्लियर है? चलिए ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ मित्रों। देखिए इसका नाम है एनालॉगी, एनालॉगी में क्या इसका नाम है, लेटर एनालॉगी, क्या नाम है, लेटर एनालॉगी, लेटर एनालॉगी। इसमें जोड़ से बनाएगा, घटा से बनाएगा, उल्टा बनाएगा, पलट देगा मित्रों। तो देख रहे हैं ई का उल्टा होता है भी, एच का उल्टा है एस, तो यम का उल्टा मित्रों एन होगा और जे का उल्टा क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में मित्रों है, एन क्यू डी में, है कि नहीं? क्लियर। आपको लेटर का नंबर पोजिशन याद होना चाहिए मित्रों, उल्टा दाएँ से और बाएँ से जल्दी बन जाएंगे, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए मित्रों इसका नाम है सीरीज, का नाम है सीरीज, और इस क्वेश्चन को आप, मैं सीरीज बता चुका हूँ पीछे में, इस क्वेश्चन को आप बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर इसके आंसर आप मित्रों छापेंगे, क्लियर है? तो हमको इस तरह आभास होता है कि आप जरूर वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं और पढ़ते हैं, इससे अंदर हमको और ऊर्जा मिलती है, जिससे कि सोचेंगे कि आपको 50 से ज़्यादा सेट बनवा दें, लेकिन आप कुछ मेहनत कीजिए, कुछ पढ़िए, कुछ देखिए, शुरू से अंत तक पढ़िए, तब जाके आपको कुछ फायदा होगा मित्रों। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिए इसका नाम है एनालॉगी, का नाम है एनालॉगी, एनालॉगी पीछे भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन से। तो देखिए कैसे बनाया है मित्रों, ये ऐसे किया है कि 13 का वर्ग कितना होगा मित्रों, 169 होता है, और उसमें कर दिया कितना माइनस, माइनस 2 कर दिया है, यानी वर्ग माइनस 2 मित्रों कर दिया है, वही तरह वहाँ वर्ग करेगा और माइनस कर दिया 2, कितना आएगा 223 आएगा, कितना आएगा 223, जो ऑप्शन किस में मित्रों ए में, यानी वर्ग माइनस 2, वर्ग माइनस 2, क्लियर नहीं? क्लियर है। चलिए मित्रों मैं आगे बढ़ता हूँ, आसान बिल्कुल है, देखिए ऐसा क्वेश्चन वीडियो में, पिछला वीडियो में आ चुका है, इसका नाम है लेटर अरेंजमेंट, यानी देखना कि पहले कौन आएगा, कर बाद कौन आएगा, कर बाद का डिक्शनरी शब्दकोश के जानते हैं, नाम सुने होंगे आप लोग। देखिए मित्रों यहाँ आर के बाद ए है, यहाँ आर के बाद ई है, फिर आर के बाद यहाँ ई है, ओ है, यहाँ ओ है, तो पहले तो ए वाला आएगा, यानी पहले ऑप्शन ए मित्रों हो जाएगा, फिर ई वाला ही आएगा, तो ई के बाद यहाँ जी है, यहाँ ई के बाद एस है, तो पहले 2 होगा मित्रों, तो फिर इसके बाद 5 हो जाएगा मित्रों, फिर देख रहे हैं कि अब यहाँ ओ के बाद वाई है, ओ के बाद ओ ही है, तो पहले मित्रों 4 होगा, तब क्या होगा 3 होगा, तब 12 54 3 आएगा, जो विकल्प किसमें ऑप्शन में है, 12 54 3 ऑप्शन सी में मित्रों है, यानी पहले कौन, एक बात कौन, एक बात कौन, लेटर देखना होता है मित्रों, क्लियर है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ मित्रों, देखिए इसका नाम है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एग्जाम में क्वेश्चन मित्रों आ चुका है 2014 में, क्वेश्चन आपको 2014 में एसएससी सीजीएल में आपको पीटी में क्वेश्चन मित्रों आ चुका है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, यानी अब ध्यान देना होगा मित्रों कि कैसे 17 आया हुआ है, इसमें स्टार का कोई महत्व नहीं है, ना कोई रोल है, न सिंबल का कोई रोल नहीं, देखना होता कैसे इसमें बना हुआ है। तो देख रहे हैं कि 2 स्टार दिया है मित्रों, यहाँ 17 दिया हुआ है, कैसे बनाया हुआ है, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग ऐसे काम किया है मित्रों कि 2 का ई का किया है कि इधर घात ले लिया है, आ 3 घात इधर वाला ले लिया है, यानी मेरा घात ई बन गया और राइट वाला घात ई बन गया, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, दोनों जोड़ दिया मित्रों कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो उसी तरह से ये भी मित्रों अप्लाई हो रहा है, यानी 3 का घात 4 करेगा, 4 घात 3 का देगा, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा प्लस 64, कितना होगा 64, तो इतना आ जाएगा कितना,
ये आ जाएगा 45। तो यहाँ दिया है मित्रों के 2*5 तो 2 × 5 कर देंगे और 5 × 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 बच्चे, ये हो जाएगा 25, तो कितना मित्रों आएगा 57 आएगा, जो ऑप्शन किस में है, बी में है कि नहीं क्लियर। ऐसे क्वेश्चन मित्रों अगर अभ्यास अगर नहीं है, जानकारी नहीं है, तो परीक्षा में आप नहीं बना पाएंगे, है कि नहीं क्लियर। क्लियर है, यानी बाएं वाला घात दाएं वाला बन गया और दाएं वाला घात बाएं बन गया, दोनों जोड़ दिया, देख रहे हैं ना, यानी बाएं घात दाएं वाला घात बाएं वाला बन गया, क्लियर है। चलिए फटाफट देखिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। देखिए मित्रों इसका नाम है मीनिंगफुल लेटर अरेंजमेंट। तो ये पूरी तरह से ऐसा टॉपिक है कि अगर मीनिंग पावर अगर आपको निचोड़ पता नहीं है मित्रों तो आप नहीं बना सकते हैं। आप बना रहे हैं 2 अब बन गया 5, तो इसका जानकारी आपको अंग्रेजी की नहीं है तो दिक्कतें आपको बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ डी मित्रों यहाँ देखना होगा कि डी दिया है और आर दिया है, ई दिया है और ए दिया है, तो इसे बनेगा मित्रों एगो डेयर बनेगा, एगो डियर बनेगा, एगो रीड बनेगा। क्या बनेगा? रीड। डियर जन लंबे करते हैं, प्रिय होता है, पढ़ना होता है, और डे मतलब साहसी अहिमति दोस्तों होता है। क्या होता है? साहसी अहिमति। तो 3 से ज्यादा नहीं बनेगा मित्रों, आंसर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। तो निचोड़ आपको पता होनी चाहिए मीनिंग पावर की, तब संभव है मित्रों। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आइए एक बार फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखिए इसका नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ये क्वेश्चन मौखिक बन जाएगा मित्रों, बिल्कुल मौखिक बनेगा। इसको भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखिए मित्रों। आगे बढ़ते हम लोग हैं, अब यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यह क्वेश्चन जो है मित्रों, इस क्वेश्चन को आप इसके पीछे डिस्टेंस में बता चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मौखिक बनेगा, बिल्कुल मौखिक। इसको बनाकर आप कमेंट बॉक्स जरूर छापेंगे मित्रों। मैं इसका क्वेश्चन बता चुका हूँ डिस्टेंस के पीछे में, तो आज इस क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ, आप इसको बनाकर कमेंट में जरूर करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखिए इसका नाम है वर्ड कोडिंग। क्या नाम है? वर्ड कोडिंग। क्या नाम है? वर्ड कोडिंग। आइए देखिए बहुत आसान है, बोला कि नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन। तो ऐसे क्वेश्चन लास्ट में हम लोग बातें बनाते हैं। तो बोला धुलाई में क्या प्रयोग किया जाता है? धुलाई साबुन से या सर्फ से। तो साबुन को मित्रों का बोला गया है, देखिए तो साबुन का बोला स्याही बोला गया। ऑप्शन किसमें है? डी में। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आराम से आप बना सकते हैं। चलिए मित्रों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि एक कुटभाषा में पेंसिल को दिया है 69। का दिया मित्रों? चलिए देखिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि एक निश्चित कूट भाषा में पेंसिल को लिखा है कितना? 69 लिखा हुआ है। तो देख रहे हैं कि ये नियम है लेटर टू नंबर कोडिंग का कि अगर लेटर से अगर नंबर अगर कम है तो जितना उसका होता है नंबर पोजिशन जोड़ देता है सबको है। तो देख रहे हैं कि सबको जोड़ दिया है। ये होता है पी कितना होता है? 16 होता है, और ई होता है 5, एन होता है 14, सी होता है 3, आई होता है 9, एल होता है कितना? 12। सब जोड़ने में कितना आएगा? 59 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 59 आ जाएगा। तो जोड़िए दोस्तों इसको, यहाँ देख रहे हैं कि जोड़िए, देखिए 16, 5, 21, 4, 25, 10, 35, 38, 38, 2, 40, 10, 50 कितना? 59 आ गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे ई होता है 5, आर होता है 18, ए होता है 1, एस होता है 19, और ई होता है 5, आर कितना होता है? 18 होता है। तो देख रहे हैं 18, 5, 23, 23, 19, 23, 7, 40, 2, 42, 10, 52, 53, 53, 7, 60, 61, 71, 72, 75, 76 आएगा। कितना आएगा? 76। देख रहे हैं, फिर से जोड़ लीजिए, फिर से जोड़िए। अब यहाँ देखिए कि ई कितना होता है 5, आर कितना होता है 18, ए कितना होता है 1, एस कितना होता है 19, ई कितना होता है 5, आर कितना होता है 18। तो 18, 5, 23, 23, 9, 32, 10, 42, 43, 43, 8, 51, 51, 10, 61, 5 कितना 66 होगा मित्रों। कितना होगा? 66। जो ऑप्शन किस में है? डी में है। ठीक है, क्या ऑप्शन में है? डी में है। तो आइए बच्चे अगला देखते हम लोग हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग है। 20 लोगों के समूह में 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 5 लोग ऐसे हैं कि कुछ नहीं पढ़ते हैं। उनमें से कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? इसका शॉर्ट नियम दोस्तों ऐसे है, बनाइए कि क्या करिए आप कि 11 + 8 + 5 और माइनस घटाइए कितना? 20। तो 8 11 कितना? 19 + 5
24 और माइनस 20, तो चार लोग ऐसे व्यक्ति मित्रों हैं कि जो कि क्या है हिंदी और क्या है अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। का आंसर आपका सी आ गया है कि नहीं, क्लियर? चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ मित्रों। देखिए इसका नाम है रिलेशनशिप। हर वीडियो में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, और बताया था कि रिलेशनशिप बनाने के लिए सबसे जरूरी बात कि आपको पीढ़ी याद होनी चाहिए और आपको एरो बनाने आना चाहिए। तो एरो जहाँ अगर आपको बनाने अगर आ गया तो रिलेशन कितना हो लंबा लंबा देगा, आराम से बना सकते हैं। ये तरह अगर मौखिक बनाते हैं तो छोटा क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, लेकिन अगर लंबा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इसका एरो का है मूल मंत्र है। तो यहाँ देखिए कि बोला है कि यम और यप का है एक विवाहित दंपति है, यानी जो यम है और यप ये दोनों जो है, यहाँ बोला है मित्रों कि जो एम है और यप जो है ये दोनों का है विवाहित दंपति है, यानी दंपति हैं विवाहित, ये क्या है दंपति हैं। यहाँ बोला है दोस्तों कि ए और बी दोनों बहने हैं, ए और बी दोनों का है बहने हैं, यानी दोनों एक का है ये महिला है, ए अप की बहन है, ए का है ए अप की बहन है, कौन ए। अब यहाँ ध्यान देंगे आप लोग कि जब ए अप की बहन है आए की बहन कौन है बी है, क्योंकि दोनों बहन आपस में ही है, तो जब एप की बहन ए है तो एप की बहन बी भी हो जाएगी। तो बताना है मित्रों कि बी का यम से क्या संबंध है। तो ज़रा ध्यान देंगे कि अगर ये हमारी पत्नी हो जाएगी, हमारी पत्नी, तो पत्नी की बहन क्या लगती है साली, साली की बहन का लगी सलिए लगेगी। तो अगर ये मेरा अगर पति हो जाएगा तो पति की बहन का लगती है ननद लगती है, क्या लगती है ननद। तो ननद ऑप्शन में दोस्तों नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन साली दिया हुआ है, आंसर का इसका होगा बी हो जाएगा मित्रों। क्लियरिंग क्लियर है। अगर मेरी क्या हो जाएगी पत्नी हो जाएगी और पत्नी की अगर बहन है तो क्या लगेगी साली, अगर मेरी अगर ये पति हो जाएंगे क्या हो जाएंगे पति, तो पति की बहन क्या लगती है ननद लगती है, क्या लगती है ननद। तो यानी बी क्या लगेगी यम का, तो या तो ननद हो गया तो साली होगी, क्या होगी ननद या साली, आंसर क्या होगा दोस्तों बी में हो गया। क्लियर नहीं क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखिए यह क्वेश्चन जो है आपको लेटर टू नंबर कोडिंग क्वेश्चन से ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ध्यान देना आपको होगा लेटर का नंबर याद होना चाहिए आपको दोस्तों। तो देख रहे हैं कि यहाँ बी बराबर का दिया है टू दिया है, तो बी का दो होता ही है, और ए में टी तो यह हम होता जानते हैं दोस्तों 13 होता है, और ए 1 होता है, और टी का होता है 20 होता है, तो 20 है कि कई से कई सा 3 24 10 कितना 34, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ दिया है जी ओ एल, यहाँ दिया है जी ओ सॉरी यहाँ दिया है मित्रों कि जे ओ जी एल ई एक्स। तो जानते हैं आप है मित्रों कि जो जे की जो वैल्यू होता है वो 10 होता है, ओ की जो वैल्यू होता है 15 होता है, और जी के वैल्यू जो होता है 7 होता है, एल की जो वैल्यू होता है दोस्तों 12 होता है, और ई का जो वैल्यू 5 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 24 होता है। दोस्तों जोड़िए तो इसमें पूरा देखिए तो 24 5 29 29 12 41 41 7 48 48 5 53 10 63 63 10 73 आएगा मित्रों, जो ऑप्शन किस में है तो डी में है कि नहीं क्लियर। यानी सबका जितना है उसका क्या करना नंबर को जोड़ देना है, तो आंसर का आपका मिला 73 मिला। इसका नाम लेटर टू नंबर कोडिंग, यानी लेटर से अगर नंबर की संख्या कम है इसका नाम मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, नहीं सबको जोड़ देते हैं मित्रों। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए हम लोग आगे कड़ी में बढ़ते हैं मित्रों। देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका नाम है एनालॉगी, का नाम है एनालॉगी। तो एनालॉगी के मैं नियम बता चुका हूँ पीछे वीडियो में आ चुका है, तो अब यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि एनालॉगी का नाम नियम है कि जोड़ से घटाओ से गुणा से भाग से बरग से क्यू से सबसे बनता है। तो देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ 11 का क्यू का होता है इतना होता है, इतना बन जाएगा, तो 9 का मित्रों क्यू का होगा आपको बताइए, यानी 9 × 9 × 9 × 9 क्यों आना चाहिए का मित्रों आएगा 729 है, कितना आएगा 729 आएगा, जो ऑप्शन किस में मित्रों हैं सी में है, ठीक है ना। ये 9 81 × 9 देख लीजिए सर, 9 9 9 8 72 आया कि नहीं आया आपको, 10 का क्यू 12 का क्यू कम से कम 30 तक आपको क्यू याद होना चाहिए, और 50 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए मित्रों, तब जल्दी कन्फर्म कर पाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर है। तो आपने देखा
कि A1 से लेकर मैंने 30 तक पूरी तरह से सोल्यूशन मैंने दिया, और आपको 72 मैंने बताया कि 1 से लेकर 30 क्वेश्चन में हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और 50 सेट जाते जाते आपको हर मतलब रीजनिंग के पार्ट से क्वेश्चन आपको देखने को दोस्तों मिल जाएगा। और ग्रुप डी जितना सेट हमें बनवा देंगे इसे एक भी क्वेश्चन बाहरी मित्रों नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। इसलिए आप शुरू से और अंत तक वीडियो को देखिए और पढ़िए, लगन से पढ़िए और काम के लिए पढ़िए, न कि आपको दिखाने के लिए पढ़िए। अगर दिखाने के पढ़ना है, दिखाने में दिखावा में तो कुछ होने वाला मित्रों नहीं है। अगर कुछ काम के लिए अगर पढ़ना है तब पढ़िए, और शुरू से अंत तक लगन से पढ़िए, धन मंत्रण से पढ़िए, और पूरी तरह लग जाइए कि इस बार ग्रुप डी को हमको पार करना है तो पार करना है मित्रों। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम आपको बारी बारी सेट बनवाते चलेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो आप बिल्कुल सेट नंबर आज 6 को आपको बनवाए, कल आपको सेट नंबर 7 के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।